साइंस फॉर स्टैंडर्ड थर्ड एंड चैप्टर टू क्वेश्चन आंसर कुछ क्वेश्चन है जो मैं कंप्लीट करा रही हूँ, ये आप लर्न भी करते चलिएगा एंड नोट भी करते चलिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर टू, हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस, प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं, हमें ये आंसर में देना है. प्लांट्स आर यूजफुल टू अस फॉर मैनी वेज, प्लांट्स हमारे लिए कई प्रकार से यूजफुल हैं. सो मैं यहाँ पर वैसे दे रही हूँ शॉर्ट में है ना, कि प्लांट्स प्रोवाइड फूड, प्लांट्स हमें फूड देते हैं, प्लांट्स प्रोवाइड फूड, प्लांट्स फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं एंड शेल्टर एंड हैबिटेट टू मैनी एनिमल्स एंड सराड एंड हैबिटेट आवास भी एनिमल्स को देते हैं. सो इसलिए प्लांट हमारे लिए यूजफुल है. क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमें वो बताने हैं. तो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, सेवन होते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ, रूट स्टेम ब्रांच लीव्स बर्ड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो मैं बस वही लिखना है, रूट स्टेम ब्रांच लीव्स बर्ड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, तो ये क्या है, ये प्लांट के पार्ट्स हैं. एंड क्वेश्चन आगे लिखाऊंगी मैं और लॉन्ग आंसर उसी के आगे मैं लिखा रही हूँ. लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर फोर, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर जो फोर दिए गए हैं, फोर में से आपको ओनली टू के ही फंक्शन देने हैं, दो के ही कार्य बताने हैं. तो रूट स्टेम लीव्स एंड फ्लावर्स, तो हमें इसमें से ओनली टू को ही एक्सप्लेन करना है, टू के ही फंक्शन को एक्सप्लेन करना है. ओके, सो आंसर नंबर वन स्टेम, मैं स्टेम एंड लीव्स ले रही हूँ, उनका जो फंक्शन है वो थोड़े छोटे हैं एंड आपको लर्निंग करने में भी आसानी रहेगी, इसलिए मैं थोड़े छोटे ही लिखा रही हूँ. स्टेम, इट कैरीज वाटर, ये पानी ले जाता है एंड मिनरल्स और खनिज ले जाता है, अब्जॉर्ब बाय रूट्स, जो जड़ होती है जड़ द्वारा ही अब्जॉर्ब यानी कि शोषण करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के सभी पार्ट्स के लिए. ओके, एंड लीव्स, लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पत्तियां जो होती हैं, जो लीव्स होती हैं वो गिव आउट करती हैं ऑक्सीजन यानी कि बाहर देती हैं ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये ऑक्सीजन को छोड़ती हैं, कौन, लीव्स. तो ये टू आप लर्न कर लेना एंड नोट कर लेना एंड क्वेश्चन नंबर फाइव मैं भी और आगे लिखाऊंगी. सो फिर से समझ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब बाई रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड लीव्स, लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पत्तियां जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को गिव आउट करती है यानी कि बाहर छोड़ती है. ओके, एंड जो स्टेम होते हैं, स्टेम मीन्स तना, ये पानी ले जाते हैं एंड मिनरल और खनिज ले जाते हैं, मिट्टी द्वारा इनका शोषण करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के सभी पार्ट्स के लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव आ गई. नेम एंड एक्सप्लेन द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, प्लांट्स के जो टू बेसिक पार्ट्स होते हैं हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है. तो वो कौन से होते हैं, रूट एंड शूट, रूट एंड शूट जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट होती है वो मिट्टी के नीचे होती है एंड शूट होती है तो मिट्टी के ऊपर जो पार्ट्स होते हैं उनको हम शूट कहते हैं. जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, रूट, रूट्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट, रूट एक जो प्लांट होता है उसका एक पार्ट है. ओके, एंड रूट्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट, रूट प्लांट का पार्ट है एंड दे ग्रो अंडर द सॉइल एंड स्प्रेड, एंड वो मिट्टी के नीचे ही ग्रो करता है यानी कि बढ़ता है और वही फैलता है. एंड शूट क्या होता है, शूट भी उसका बेसिक पार्ट है, द पार्ट दैट ग्रोस अबव, जो पार्ट ऊपर उगता है, जो मिट्टी के नीचे रहता है, जो मिट्टी के नीचे स्प्रेड होता है फैलता है, उसे हम रूट कहते हैं. एंड जो मिट्टी के ऊपर फैलता है उगता है उसे हम शूट कहते हैं, सॉइल इज कॉल्ड, जो मिट्टी के ऊपर अबव द सॉइल, यहाँ पर टी बनी होके अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट, उसे हम शूट कहते हैं. शूट किसे कहते हैं, जो पार्ट मिट्टी के ऊपर फैलता है ग्रो करता है. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ, और ये अपने आप में रखता है डैम, सॉरी द स्टेम ब्रांचेस लीव्स बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, एंड ये रखता है लीव्स ब्रांचेस, जो मैंने आपको ये अभी जो मैंने सेवन पार्ट्स बताए थे, रूट स्टेम ब्रांचेस लीव्स बर्ड फ्रूट एंड फ्लावर, तो जो रूट है वो मिट्टी के नीचे वो तो रूट है एंड जो सिक्स अदर पार्ट है वो क्या है, वो शूट है. ओके, तो इज दैट क्लियर,
आई होप आपको रूट एंड शूट समझ में आ गया हो, तो ज्यादा डिफिकल्टी है ही नहीं उसमें। जो पार्ट्स आप लर्न करते हैं तो उसका जो फर्स्ट रूट जो मिट्टी के नीचे होता है वो रूट हो गया, एंड जो सूट है वो जो अदर सिक्स पार्ट्स में बचे हैं वो सब सूट है। ओके जी, मैंने ये देखो लिखे भी है, एंड आपको यही होमवर्क से लर्न करना है। तो आप एक काम करिए, लर्निंग में डाल लीजिए लर्न क्वेश्चन आंसर लेसन टू। ओके, जो भी ये चैप्टर टू के क्वेश्चन आंसर आज मैंने लिखाए हैं आप यही लर्न करो, क्योंकि एग्जाम्स हैं तो बहुत जल्दी आपको ये कवर भी करना है, एंड आप कंटिन्यू अपना वर्क करते रहिए तो जल्दी हो जाएगा।